कहते हैं बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है और ये हर बार साबित भी हुआ, क्योंकि हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए जहां बीजेपी की बंपर जीत हुई और इंडिया गठबंधन हाथ पर हाथ धरे रह गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने इंडिया गठबंधन का मनोबल पूरी तरीके से तोड़ दिया है और क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने 400 के टारगेट को पूरा करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बीजेपी ने इस वक्त 2024 के रण में अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। बीजेपी का टारगेट अपने गठबंधन एनडीए की सीटों को 400 पार कराने का है। पार्टी आलाकमान अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार एक्शन मोड पर भी दिख रही है। इस रणनीति का ही असर है कि विपक्षी एकता के नाम पर बना इंडिया गठबंधन लगातार मुंह की खाता दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में राज्यसभा चुनाव होते हैं जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का रहता है जहां सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस बहुमत होते हुए भी अपनी ही पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं जिता सकी। यूपी में भी ऐसा ही कुछ नजर आया जब अखिलेश यादव की सपा में खेल हो गया जिसमें पार्टी का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सका। हिमाचल और यूपी दोनों ही जगह बीजेपी उम्मीदवारों ने बाजी मार ली। दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों कांग्रेस और सपा को जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा वो पार्टी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि दोनों ही पार्टियां अपने विधायकों को खुद से जोड़े रखने में असफल क्यों रहीं। दूसरा, क्रॉस वोटिंग का खेल जिसमें कांग्रेस और सपा दोनों के ही विधायकों ने अपने नेतृत्व पर भरोसा न जताकर बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला लिया। इन नतीजों ने कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। जब दोनों ही दल अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे तो लोकसभा चुनाव के बाद अपने सांसदों का भरोसा आखिर ये अलायंस कैसे जीत पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है लेकिन इससे ठीक पहले सामने आए राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकता की पोल खोल कर रख दी है। चाहे यूपी हो या हिमाचल, दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा है। खास तौर पर जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होते हुए खेला हुआ वो चौंकाने वाला है। यहाँ कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाते हुए न केवल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की बल्कि सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया। इसी के चलते राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दरअसल हिमाचल में एक अलग ही खेला हो गया। हिमाचल में कांग्रेस के 40 विधायक थे, ये तय माना जा रहा था कि सिंघवी जीत जाएंगे। उधर बीजेपी से हर्ष महाजन कैंडिडेट थे, हालांकि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख सकी। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया, सिंघवी हार गए और हर्ष महाजन जीत गए। यूपी में भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में उतरने जा रही सपा के विधायकों ने पार्टी को झटका दे दिया। यहां सपा ने 2 सीटें तो अपने नाम कर ली लेकिन बाकी बीजेपी के कब्जे में चली गई। यानी राज्यसभा चुनाव के नतीजों से अब ये साफ हो गया है कि चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस, वो अपने नेताओं को साधने में असफल रहे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है लेकिन सवाल यही है कि कैसे सियासी दल इसे किसी बड़े मौके पर संभाल सकते हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी में भी कई ऐसे मौके आए जब गुटबाजी की चर्चाएं सामने आई। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने हर जगह स्थिति को संभालने के लिए जरूरी कवायद की। इसी का नतीजा है कि पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे विपक्षी इंडिया की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। विपक्षी गठबंधन कैसे खुद को एकजुट रखे इसको लेकर माथापच्ची हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो लोकसभा चुनाव में कैसे मोदी मैजिक का सामना करेंगे। शायद ये बात बीजेपी भी समझ रही है, तभी तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य सेट कर दिया। यही नहीं, अपने एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार का नारा तो खुद पीएम मोदी ने संसद में दे दिया। उनके इस टारगेट की वजह कहीं ना कहीं देश में पार्टी के लिए बना माहौल ही है। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस कैसे आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से खड़े होकर बीजेपी को टक्कर देगी।
क्योंकि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के नेता गठबंधन से दूर जा रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार एनडीए में चले गए और गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी माथापच्ची चल रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आगे आने वाले समय में आखिर इंडिया गठबंधन ऐसा क्या करेगा कि वो बीजेपी को मात दे सके। खैर, ये देखना काफी दिलचस्प होगा और इससे जुड़ी हर खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। इसलिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।